डिंडोरा जितना भी था ऑन पेपर नहीं था वैसा। ओ उस दिन आपका गट क्या कह रहा है, उस दिन आप क्या सोच रहे हो, वो था डिंडोरा। किसी दिन एकदम डेड मूड, बिल्कुल ऐसा है कि मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि कल का लैग हो रखा है बहुत, नींद नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। बट एक बार कैमरा रोल हो गया तो उस टाइम पे आपके आसपास क्या फ़नी चीज़ें हो रही हैं या क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो डायलॉग तो बेसिक है ना, हाँ। अरे कहाँ जा रहा है तू बेटा, बस ये डायलॉग है। इसको मैं कैसे फ़नी बनाऊँ, इसको मैं फ़नी नहीं बना सकता। और अब मैं ये भी नहीं है इसमें मेरे पास लेजर, मतलब लग्जरी कि मैं को एक्टर से एक्सपेक्ट करूँ कुछ, क्योंकि मैं ही को एक्टर हूँ। ट्रू ट्रू तो ट्रू अब नेचुरली मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर टीटू मामा हूँ अभी, तो मेरे को ये कैमरा लगाए, ये कैमरा लगाए, ये कैमरा लगाए, ये लग्जरी नहीं थी मेरे पास, सिर्फ एक कैमरा था हाँ सामने वाला। राइट अब नाउ आई हैव टू पुट अ, जैसे भाई खड़ा है पीछे, तो मेरे को भाई को हटा के भाई की सीध में मेरी आंखों में जो दीवार है वहाँ पे आई हैड टू पुट लाइक अ टेप, दैट्स माय समीर का क्यू कि दैट समीर, इधर पीछे लाइकवाइज अनदर कैरेक्टर बन छोड़ दस फॉर एग्जांपल। सो नाउ टीटू मामा इज़ टॉकिंग, और यहाँ पे मेन टीटू मामा जिससे बात कर रहे हो वो बात कर राइट रहे हैं, राइट तो ये कैमरा है, ये कैप्चर कर रहा है इसको, इसको और इसको हाँ मेरे थ्रू। तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ। अब मेरे पास कोई नहीं बंदा मेरे को रेफरेंस करने के लिए, मेरे हाँ को रेफरेंस देने के लिए। मैं टीटू मामा का डायलॉग बोल रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं अभी ये कैरेक्टर किया नहीं है मैंने, मैं अज्यूम हाँ कर रहा हूँ कि मैं कैसे बोलूँगा इसको नाइस और क्या डायलॉग बोलूँगा। सो मैं अब खुद की डायलॉग्स याद नहीं कर रहा हूँ, राइट मैं सारे डायलॉग सीन के याद कर रहा हूँ राइट कि किस मीटर पे बोलूँगा मैं। इट्स सो कॉम्प्लेक्स कि हमें सेकेंड डे थर्ड डे जाके पता चला ओ फक इसको ऐसे शूट करना है। फिर वो स्विफ्टली होता गया, फर्स्ट टू डे वर मैड, और गर्मी में शूट कर रहे थे हम मुंबई में, हाँ तो हमने 6 दिन शूट किया। छठवें दिन मैंने कहा कितने दिन बचे अभी, तो उसने कहा 40 दिन और। मैंने कहा अरे कैसे होगा यार, ये तो बहुत टफ चीज़ शुरू कर दी हमने करनी है, ख़त्म भी करनी है, और हाँ वहाँ तक नहीं सीमित है, उसका VFX भी है। तो हाँ 6 दिन शूट करके पहला लॉकडाउन लग गया। मैंने कहा ये क्या है भाई, और जनता कर्फ्यू था वो 21 दिन वाला जो था, वो फिर चला नवंबर तक। फिर जो हमने गरारी छोड़ी थी फेब में, हाँ वो वापस पकड़ी हमने नवंबर में। तब तक मेरा बॉडी वेट बदल गया था, मेरे हाउ आई लुक्ड चेंज्ड, आई स्टार्टेड वेरी स्क्रॉनी, स्क्रॉनी मतलब पतला। अच्छा आई डोंट नो इफ स्क्रॉनी का मतलब वही होता है, मैंने कहीं सुना था कि उसका मतलब ये होता है क्या, हाँ बट आई स्टार्टेड वो शो शुरू किया तो एकदम पतला दिख रहा हूँ। और ये इसका एक वो भी है, मैं पता नहीं इफ आई कैन टेल और नॉट। तो टीटू मामा कुछ याद कर रहे हैं, फ्लैशबैक में जा रहे हैं, अभी दोपहर के फ्लैशबैक में, कि वो बता रहे हैं कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ था, उस फ्लैशबैक में मैं हेल्दी हूँ, और अभी 3 घंटे पहले का फ्लैशबैक है वो। सो हमने ऐसे शूट किया, और व्हेन यू कट बैक फ्रॉम फ्लैशबैक टू दिस यू सी पतला टीटू मामा स्टैंडिंग, एंड लकीली नो वन नोटिस। अब बता दूंगा तो अब लोग जाके देखेंगे उस पर वो डर था क्योंकि हम इतना इन्वॉल्व थे, तो हमें लग रहा था कि यार ये तो बेकार हो गया, ये तो क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई यार।